तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पता है इस टाइम कोई भी बढ़िया नहीं है, कोरोना को लेके काफ़ी लोग टेंशन में है। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हर टाइम स्माइल करते रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पोको आपके लिए बहुत ही जल्दी एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा पोको M3 Pro। ये स्मार्टफोन Realme 8 5G से कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में आपसे बात करेंगे। पोको M3 Pro में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा और कितने प्राइस में देखने को मिल सकता है। और देखिए, इस फ़ोन के बारे में सभी फीचर्स आ गया है और इसका डिज़ाइन भी लीक हो गया है। और डिज़ाइन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और इस फ़ोन के बारे में मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही यूट्यूबर है जो फीचर्स बोल के निकल लेते हैं, और मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा इस फ़ोन के लिए आपको वेट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है स्वरूप और आप देख रहे टेक सूत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे इस फ़ोन का डिज़ाइन। आप इस फ़ोन का डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। और ये फ़ोन आपको डिफरेंट कलर में भी मिलेगा। तो डिज़ाइन एक्चुअल में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पर 6.5 इंच का एक IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, और जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेशिंग रेट मिल जाएगा। और डिस्प्ले के मिड में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। पोको M3 Pro जो चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा, वो टक्कर देगा Realme 8 5G को, क्योंकि ये दोनों फ़ोन का फीचर्स काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा। 48MP का टिपिल कैमरा सेटअप मिलेगा, 48MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो। यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ नहीं होगा, और ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस टाइम में अल्ट्रा वाइड लेंस कितना यूज़फुल होता है। अगर मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर को हटा के अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता तो बहुत ही बढ़िया होता। फ्रंट में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, तो सेल्फी कैमरा भी डाउनग्रेड देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पर MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट मिलेगा, और यही चिपसेट Realme 8 5G में देखने को मिला है। नो डाउट चिपसेट बहुत ही बढ़िया है, आप इसमें गेमिंग सब कुछ कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और ये चिपसेट 7mm पे बेस है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छा मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। इस फ़ोन में आपको 6GB का रैम देखने को मिल जाएगा, और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। 5000mAh का एक बिग बैटरी मिलेगा, और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। तो प्राइस की बात करते हैं, प्राइस में सब कुछ डिपेंड करता है। Realme 8 5G का 4GB 120GB का प्राइस है ₹15,000, और मुझे लगता है पोको का जो स्मार्टफोन होगा उसका 6GB 120GB आपको 15,000 में या 15,000 से कम प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि पोको अपने स्मार्टफोन में हमेशा 6GB का रैम प्रोवाइड करता है। तो आपको 6GB का रैम 15,000 के अंदर में अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया डील होगा। ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा? देखिए, पहले ग्लोबली लॉन्च होगा, क्योंकि पोको का स्मार्टफोन पहले ग्लोबली लॉन्च होता है, उसके बाद इंडिया में देखने को मिलता है। और ग्लोबली लॉन्च डेट कन्फर्म हो गया है, 19 मई में ग्लोबली लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में देखने को मिलेगा। तो मई में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जून में आपको मिल जाएगा, जून के मिड में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसलिए बताऊंगा कौन से भाई लोग इस फ़ोन के लिए वेट करेंगे, मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फ़ोन के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि इस फ़ोन में उतना बढ़िया कैमरा नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल कैमरा मिल जाएगा, और सेल्फी कैमरा उतना बढ़िया नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 15,000 से कम प्राइस में एक 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फ़ोन के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज 15,000 में अच्छा अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा जो 4G के साथ आएगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत ही जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, इसलिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और सेफ रहिए, सबको सेफ रखिए। जय हिंद, जय भारत।